कप 2019 में इंग्लैंड की जीत के बाद सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाले मोइन अली और आदिल राशिद की ही दुनिया में चर्चा हो रही है। अभी हाल ही में इंग्लैंड के कैप्टन ने कहा था कि अल्लाह हमारे साथ था इसलिए हमारी जीत हुई है। उसके बाद जब इंग्लैंड की जीत में शैंपेन पार्टी यानी शराब की पार्टी हुई तो मोइन अली और आदिल राशिद वहाँ से तुरंत चले गए, क्योंकि शराब इस्लाम में हराम है इसलिए वे इस्लाम की पाबंदी करते हुए वहां से चल दिए। उसके बाद जब मोइन अली एक महिला एंकर के इंटरव्यू के दौरान अपने नज़रों की हिफाजत करते हुए एंकर की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा, क्योंकि यही इस्लाम है जो हमें पराई औरतों को नज़र उठाकर देखने की भी इजाज़त नहीं देता। इंग्लैंड के मुस्लिम क्रिकेटर मोइन अली ने पूरे इंटरव्यू के दौरान एक बार भी गैर महरम औरत एंकर की तरफ नहीं देखा। यही वजह है कि यह वीडियो दुनिया भर में तेजी से वायरल हो रही है। Everyone for the last 4 years worked the point. Unbelievable. At the point of the toss this morning going the way it did, is there any suspicion you had that it would be that close? No, you know, we've been mentioning when we needed to win the 2 games, we said it was destined for us and we just got to do it. So once we got through to the semis, I was very confident we're going to win it. Did you ever lose that belief? Was there a stage in the match where you thought, oh, we might have bottled this? Of course, when we're 4 down for not many, but you know, the likes of Ben and just the partnership of Portland was unbelievable. That even towards the very last ball, you always believe in, but you know, credit to the boys. आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टीवीएम लाइव।